हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर बताना चाहें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कर रहे हो और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपको कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी होगी, कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़, इंटरनल कितना मार्क मिलेगा, एक्सटर्नल कितना मिलेगा, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अब हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बुक्स कौन कौन सी स्टडी करनी है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, फिर आपको कौन कौन सी बुक्स कैसे स्टडी करनी है सारी चीज़ आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। देखिए, जो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट बुक पढ़े थे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, और ये देखिए आपका जो थर्ड आता है वो होता है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BIT बोलते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइस। इसके बाद जो आता है वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड, जिसे GWP सेकंड भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बात की देखिए आप लोगों के मन में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि इसमें सर यह कितने कितने सब्जेक्ट का यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा और किसका प्रैक्टिकल होगा, तो सारी चीज़ आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका इसे कैसे स्टडी करना होगा, क्या करना होगा, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर SR नंबर मतलब सीरियल नंबर लिखा गया है, फिर अपना सब्जेक्ट्स का नाम लिखा गया है, स्टडी स्कीम पीरियड्स पर वीक, मतलब आपको एक वीक में कितने पीरियड्स यहाँ पर पढ़ने हैं, क्या करना है, कितने लेक्चर होंगे, कितने ट्यूटोरियल होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। फिर यहाँ पर आपको साथ ही साथ मार्क्स इन इवैल्यूएशन स्कीम, मतलब आपको कौन कैसे मार्क मिलेगा, इंटरनली कितना होगा, एक्सटर्नली कितना होगा, तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम बिना देरी के वीडियो को और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, जो कि आप लोग फर्स्ट यहाँ पर अच्छे से स्टडी किए, लेकिन आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड से ये बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। अगर आप लोग इंटरमीडिएट से आए हो तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पर बेसिक अगर आपका क्लियर है तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें एडवांस चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, अगर बात की जाए पर वीक तो आपका 5 लेक्चर होगा, और यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ना ही आपका कोई ट्यूटोरियल होगा। इसके बाद ये देखिए अगर बात की जाए थ्योरी की, और जो आपका असेसमेंट होगा इंटरनली आपका 20 नंबर का यहाँ पर टेस्ट होगा, जो कि टेस्ट आपका होता नहीं है कॉलेज में, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। 20 नंबर का आपका थ्योरी होगा जो कि इंटरनल होगा, और 50 नंबर का आपका जिस तरीके से रिटर्न एग्जाम होगा उसी तरीके का रिटर्न एग्जाम होगा। टोटल आपका 70 नंबर क्या होगा आपका इसका एग्जाम होने वाला है अप्लाइड मैथ थर्ड का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, इसका आपका 5 लेक्चर होगा पर वीक में, 2 यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, टोटल 7 यहाँ पर क्लासेज होंगी, 2 प्रैक्टिकल और 5 लेक्चर। अगर बात की जाए इंटरनली तो 30 नंबर का आपका इंटरनल होगा, और 50 नंबर का आपका 50 और 20 नंबर का एक पेट का, टोटल आपका 70 नंबर का क्या होगा एक्सटर्नल होगा। तो कुल मिलाकर आपका 100 मार्क का आपका होगा अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, जो कि जिसका आपका रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए BIT, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BIT बोलते हैं, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ना इसका कोई लेक्चर होगा, ना इसका कोई प्रैक्टिकल होगा, ना इसका कोई ट्यूटोरियल होगा, टोटल आपका इसका 6 यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है एक वीक में। अब देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल तो 40 नंबर का आपका यहाँ पर क्या होगा इंटरनल होगा, और 60 नंबर का आपका जैसे एग्जामिनर वगैरह आएंगे आपके कॉलेज में, आपसे क्वेश्चन वगैरह पुटअप करेंगे, तो उसी का आपका 60 नंबर का एक्सटर्नली होगा। टोटल कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 100 मार्क का आपका ये वैसे मिल जाता है आपका, इसका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। वैसे कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह अच्छे से बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ आपको समझनी होगी, जैसे बाइनरी डिजिट वगैरह सारी चीज़ आपको एक एक करके बताते हैं, बेसिक चीज़ें आपको IT की सारी चीज़ समझनी होगी। फिर अगर यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाए कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट है, इसका अगर बात की जाए तो 4 लेक्चर होगा एक वीक में, और 4 यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है। इसके बाद अगर बात की जाए इंटरनल की, तो 50 नंबर का आपका इसका इंटरनल होने वाला है, टोटल इसका इंटरनल होगा, और 50 ही मार्क का आपका इसका एक्सटर्नल होने वाला है, 100 मार्क का आपका यहाँ पर एक्सटर्नल होने वाला है। टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 150 मार्क का आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल कुल मिलाकर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, इसकी अगर बात की जाए तो 6 लेक्चर होगा एक वीक में, और 6 यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, और इसके साथ ही अगर देखा जाए देखिए जो आपका नेक्स्ट आता है यहाँ, ये देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड GWP सेकंड, इसका अगर बात की जाए तो इसका आपका ओनली यहाँ पर प्रैक्टिकल ही होगा, इसका आपका कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा। इसकी बात की जाए तो एक वीक में आपका 8 प्रैक्टिकल होगा, कोई भी इसका ना लेक्चर होगा ना कोई इसका ट्यूटोरियल होगा। टोटल अगर बात की जाए तो देखिए 40 नंबर का इंटरनल और 60 नंबर का एग्जाम वगैरह आएंगे, जिस तरह का BIT का होगा उसी तरीके से आपका GWP सेकंड का भी
केवल प्रैक्टिकल होगा। अगर बात की जाए कि इन सभी 6 बुक्स में से आपका 4 का रिटर्न एग्जाम होगा और दो बुक आपके ऐसे हैं जो कि एक BIT है और आपका JEE की सेकेंडरी, जिसका आपका क्या होगा ओनली प्रैक्टिकल होगा, इसका आपको एग्जाम नहीं देना होगा। इसके बाद SCA जिस तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था SCA, उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी मिल जाएगा 30 नंबर SCA का। अब अगर यहाँ पर अगर टोटल बात की जाए तो 700 मार्क आपको यहाँ पर होने वाला है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यहाँ पर मिलाकर, इसमें 440 आपका इंटरनल एक्सटर्नली होगा जो कि जिसका आप लोग एग्ज़ाम देकर पाओगे, और इसके बाद 200 नंबर ये देखिए फ्रेंड 260 नंबर आपका इंटरनल होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे समय में आगे होंगी। अगर आप लोग कहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसकी यहाँ पर सिलेबस रिव्यू है एक एक सब्जेक्ट की, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता दी जाएंगी। तो अगर फ्रेंड्स आपके मन में कोई भी अगर डाउट रहता है